तो आज से मैं शुरू करने वाला हूँ गेमिंग न्यूज़ की सीरीज़, जिसके अंदर मैं बताऊँगा आपको कि क्या क्या चल रहा है गेमिंग दुनिया के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला एपिसोड जो है गेमिंग न्यूज़ का। तो जो पहली खबर है वो है GTA 6 की। एक आर्टिकल पब्लिश करा है express.co.uk वालों ने, उसमें ये कहा है अगर सब कुछ सही रहा तो हो सकता है कि हमको मिल जाए GTA 6 अगले साल के सेकेंड हाफ में। अब यहाँ पे ये खबर मुझे लगती है झूठी, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वही बात आती है, जो छप गया, जो टाइप हो गया आर्टिकल में, उसको लोग सच मान लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि वो खबर तो आ तो गई लेकिन वो कभी कभी झूठ निकल जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे उसके साथ यही केस है। आप खुद सोचो कि जब 2012 में GTA 5 का आया ट्रेलर, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसके एक साल बाद गेम आया। लेकिन यहाँ पे 2020 में क्या अभी हमारे पास उसका है कुछ ट्रेलर टीजर? नहीं है ना। अभी हमारे पास ना कोई पोस्टर है, ना उसकी कोई डिटेल है कि इसमें कैसे कैसे करेक्टर्स हैं, स्टोरी क्या है, कुछ नहीं पता हमको अभी। तो ये सब फेक खबरें हैं, इनके बातों में ना आइए। मुझे यही लगता है कि ये आर्टिकल फेक है। अब जो अगली खबर है वो है मोबाइल गेमर्स की, जिसका नाम है गेम का फौजी। अब पता नहीं मैं इसको यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, लेकिन अब ये खबर है कि जो गेम है फौजी, ये अब रिलीज होगा दिसंबर में। तो अगर आप वेट कर रहे हैं फौजी मोबाइल का, तो आपको गेम मिल जाएगा इसी महीने दिसंबर में। कब मिलेगा पता नहीं, जब मिलेगा हम आपको बता देंगे। अगली खबर है ब्लडबोर्न। सबको पता होगा ब्लडबोर्न एक गेम है, गेम नहीं है, वो एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव गेम है, जो कि आया था 2015 या 16 में ऐसे कुछ आया था। लेकिन अब ये गेम होने वाला है रीमास्टर्ड, और रीमास्टर्ड होकर गेम आएगा PS5 पे और ये गेम आएगा PC पे। आपने सही सुना कि अब एक और एक्सक्लूसिव गेम आने वाला है PC पे, लेकिन ये आएगा अगले साल हो सकता है ये गेम आ जाए अप्रैल तक या फिर मई तक, देखना होगा कब आता है। लेकिन जब आएगा बहुत ही बढ़िया गेम होगा। और क्या आपको पता है ये गेम उन्हीं का है जिन्होंने बनाया था डार्क फोर्स 1, 2, 3 और सकीरो। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि गेम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि हर कोई नहीं खेल पाएगा। तो जो अगली खबर है वो है साइबरपंक 2077 की। आपको पता है कि जो इसके डेवलपर्स हैं उन्होंने ये गेम खेला 175 आवर्स, और तब भी वो इस गेम को साइबरपंक 2077 को ख़त्म नहीं कर पाए। आप सोच लो गेम कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है। पहले खबर आई थी इस गेम का, गेम जो कैंपेन है गेम का वो छोटा है विचर 3 से, लेकिन यहीं पे जो गेम में साइड मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। तो बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली खबर है वो आ रही है विचर 1 से। आपको पता है कि विचर 1 आया था गेम बहुत पहले, वो आया होगा 2010 या 2011 में। तो क्या आपको पता है वो गेम अब फ्री होने वाला है? जी हाँ, विचर 1 फ्री होने वाला है। जो फ्री होगा वो होगा GOG गैलेक्सी स्टोर पे। लेकिन मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही, इन्होंने विचर को क्यों फ्री करा? करना था विचर 3 को करते, 3 इतना अच्छा गेम था, और लोग ये सोचेंगे हमको तो फ्री में मिल रहा है पायरेसी के थ्रू विचर 3, हम वो खेलेंगे ना कि 1 खेलेंगे। पर यहाँ पे कुछ लोग 1 खेलेंगे जिनको लगता है कि हाँ पायरेसी बेकार चीज़ है, हम गेम को परचेस करके खरीदेंगे। तो वही कुछ लोग ही इस गेम को क्लेम करेंगे फ्री में, जो है विचर 1। तो एक खबर है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा गेम फ्री हो रहे हैं, तो लगता है यही सोच के फ्री कर दिया है। ये गेम फ्री होगा 10 दिसंबर से, जिस ही दिन रिलीज हो जाएगा साइबरपंक 2077। और जो अगली खबर है वो बहुत ही बड़ी खबर है। खबर ये है, उनको पता है कि जो गेम की फ्रेंचाइज है इसका नाम है अनचार्टेड की एक मूवी आने वाली थी, और उस मूवी में जो कास्ट है, जो एक्टर हैं, जिसका नाम है टॉम हॉलैंड, वही है ये जो प्ले कर रहे हैं MCU में करेक्टर स्पाइडरमैन का। यहीं पे जो करेक्टर है नेथन ड्रेक का, वो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होने वाले हैं, तो यहीं पे जो होने वाले हैं द गेम अवार्ड 2020 जो होंगे 10 दिसंबर के आसपास, उनमें ये आने वाले हैं। तो यहाँ पे हो सकता है
कि हमको मिल जाए द अनचार्टेड मूवी का पहला ट्रेलर। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अच्छी बात है कि अब गेम्स पे भी मूवी बनने लगी हैं और हमको इसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। तो जो अगली खबर है वो है एनीमे फैंस के लिए। आपको पता है गेम आया था जिसका नाम था ड्रैगन बॉल वी कैकरॉट। उस गेम को प्ले स्टेशन पार्टनर अवार्ड में एक अवार्ड मिला है, अवार्ड का नाम है ग्रैंड अवार्ड। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी एनीमे गेम को एक अवार्ड मिला है प्ले स्टेशन की तरफ से। तो अगर आपने गेम नहीं खेला है जाके खेलिए, क्योंकि गेम सच में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ एक गेम और आया था जिसका नाम था फाइनल फैंटेसी 7। तो उस गेम को भी यही अवार्ड मिला है जिसका नाम है ग्रैंड अवार्ड। तो यहाँ पे ये गेम अभी के लिए तो टाइमली एक्सक्लूसिव है प्ले स्टेशन पे, लेकिन ये गेम बहुत ही जल्द पीसी पे आने वाला है। तो अभी हमारे पास कोई डेट है नहीं इसकी, लेकिन ये जल्दी आने वाला है। और जो आखिरी न्यूज़ है वो है बहुत ही बढ़िया, वो ये है कि हमको पता है कि अगले महीने जनवरी में एक और नया गेम आने वाला है जो है प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक, जो कि है सैंड ऑफ टाइम का एक रीमेक गेम जो कि आएगा अगले महीने। तो यहाँ पे खबर ये है कि इस गेम को हटा के, जो गेम अगले महीने आएगा इस गेम को हटा के एक और गेम प्रिंस ऑफ पर्शिया का डेवलपमेंट में है, जो कि रिलीज हो सकता है बाय 2023 और 24 तक, मतलब 2023 या 24 में हमको एक नया गेम, ट्रिपल ए गेम मिलेगा प्रिंस ऑफ पर्शिया का अगले 3-4 साल के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, मतलब मैं कहूँगा जिस चीज़ का इंतज़ार हम गेमर्स को था यूबीसॉफ्ट से, वो हमको अब मिलने वाला है। अभी भी नहीं मिलेगा, अभी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल, लेकिन मुझे लगता है जो ये गेम होगा बहुत ही बढ़िया होगा। और ये बहुत ही बढ़िया बात है कि यूबीसॉफ्ट ने सुन ली हम फैंस की, कि हम क्या चाहते हैं उनसे, ना कि चाहते हैं कॉपी पेस्ट करना। जो अभी गेम आया है इनका इमोर्टल राइजिंग फीनिक्स, वो तो मुझे बेकार ही लगा है। नहीं, शायद नाम है उसका इमोर्टल फीनिक्स राइजिंग, जो भी नाम है घटिया गेम है। तो उम्मीद है कि यूबीसॉफ्ट अब कुछ अच्छा करेगी जो हमको चाहिए। इन्होंने देखो स्पिंडर सेल इतनी प्यारी सीरीज, उसका कोई गेम नहीं आया पिछले 7 सालों में, तो उम्मीद है कि जल्दी आए इसका गेम भी और एक हमको एक बहुत ही बढ़िया चीज़, बढ़िया गेम हमको ये प्रोवाइड करें। और अगर आपको मेरी ये गेमिंग न्यूज़ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तक लिए गुड बाय। कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस गेम को परचेस करूंगा, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया यहाँ पे।